बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी नाम और पहचान बना चुकी एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने नाना पाटेकर पर #MeToo का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने अध्यात्म को चुना। आपको बताते चले कि हाल ही में तनुश्री दत्ता ने राखी सावंत के साथ साथ नाना पाटेकर के खिलाफ रिएक्शन दिया, लेकिन अब उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरह से तनुश्री दत्ता पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि कई बार जानलेवा हमला हुआ, किस किस तरह से उन्हें मारने की कोशिश की गई। तो देखिए ये रिपोर्ट। मुझे ऐसे नाम लेकर तो कोई धमकियां नहीं आई, लेकिन पिछले 2.5 साल में मेरे साथ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं घटी है कि आप मतलब और 2 घंटे निकल जाएंगे ये सब। तो मैं ब्रीफ में, बहुत ही संक्षिप्त में, मैं इंडिविजुअल इंटरव्यूज में इसका वर्णन कर सकती हूँ। लेकिन उज्जैन में 2 बार मेरे ऑटो जो वेटिंग में था उसके ब्रेक और क्लच फेल किए गए। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरीके से, बहुत खून बहा। एक मेड को मेरे घर पे मैंने रखा था जो कुछ उसके अजीब से कॉन्टैक्ट थे, बहुत सारे झूठ वूठ बोल के आई थी। उसने मेरे खाने पानी में कुछ मिला रही थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत मतलब मरने जैसी हालत हो गई थी। वो एक घटना घटी। फिर एक बार मुझे किसी जगह पे धोखे से ले जाने की कोशिश की गई और वहाँ ले जाके मेरे साथ पता नहीं क्या करते, लेकिन वो मैं समझ गई कि सेटअप है, सुपारी है, तो मैं वहाँ से हट के निकल गई। सारी चीज़ें, अलग अलग फ़ोन कॉल्स आना, धोखे से मुझे इम्पर्सोनेशन करके मुझे फंसाने की कोशिश करना, मुझे पागल प्रूव करने की कोशिश करना कमेंट्स करके, वीडियोस बना के, आर्टिकल्स छपवा के, कि ये क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ तो मेरी जीवन शैली नॉर्मल इंसान से अलग है। जो अध्यात्म से जुड़ा है उसका मार्ग ही अलग है। मैं मीडिया में इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कल्याण करना चाहती हूँ और मीडिया मेरा फील्ड है। तो अलग अलग चीज़ों से मुझे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये, ताकि जब मेरा मर्डर हो तो ये सुसाइड प्रूफ कर सके। खाने में चीज़ें मिला दी ताकि जब मर्डर हो तो ये प्रूफ कर सके कि अरे ये तो बीमारी से मर गई या हार्ट अटैक से मर गई। एक हेल्दी इंसान को अगर आप गलत गलत दवाइयाँ मिला के खिला दोगे ना तो इंसान ऐसे ही मर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, लेकिन भगवान है ना, वो इन शैतानों से कहीं बड़ा है। और जिसने भगवान ने डिसाइड करके रखा है कि ये तो ज़िंदा रहेगी,